हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इन टू। सो इस वीडियो में बात करेंगे एक टॉपिक की जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक जो अक्सर पढ़ाया जाता है वो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में। आपने इस टॉपिक के बारे में बहुत बार सुना होगा, ये बड़ा कॉमन सा टॉपिक है जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, और इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ना, ट्रांसपोर्ट नंबर का एक्चुअली गैल्वेनिक सेल के साथ कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज गैल्वेनिक सेल में तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रांसपोर्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके गैल्वेनिक सेल के कुछ डेरिवेशंस में जरूर आएगा। मैं पहले कह देता हूँ इस वीडियो के स्टार्ट में कि ये जो डेरिवेशंस हैं इनका IIT जैम नेट सेट गेट से कोई लेना देना नहीं है, बट हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमारे हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करने में मदद करने वाला है। बिकॉज इन कॉन्सेप्ट्स की के को बिना पढ़े आप हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ सकते। मतलब आप यूँ कह सकते हो एक तरीके से कि ये वो छोटी छोटी ईंटें हैं जिनको जमा करके हम दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नंबर को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको गैल्वेनिक सेल के कुछ डेरिवेशंस को समझना है, विद एंड विदाउट ट्रांसपेरेंस के कुछ डेरिवेशंस को समझना है, एंड अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के बारे में अगर आगे जाके पढ़ाई करनी है, जहाँ पे हम बहुत कुछ पढ़ने वाले, कोलेरोसिस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, आयोनिक मोबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले, एज वेल एज कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, या जिनको हम कहते हैं कि हम जो ग्राफ देखते हैं कंडक्टिविटी ग्राफ्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आपको वहाँ पे कंडक्टोमेट्री ग्राफ जब आप बनाते हो, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेसिस के जो ग्राफ बनाते हो, वो सब पढ़ते समय इन टॉपिक्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये टॉपिक्स को पढ़े बिना उन टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यानी इतने डिटेल में आप नहीं समझ पाओगे। नाउ ट्रांसपोर्ट नंबर को समझने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा जिसको कहा जाता है हिटॉफ्स मेथड। भाई देखो, जरूरी नहीं है कि हिटॉफ मेथड ही हमारे पास एक है, हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको कहा जाता है मूविंग बाउंड्री मेथड, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि हिटॉफ मेथड जो है वो काफ़ी अच्छे से इनसाइट देता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, काफ़ी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाता है। मूविंग बाउंड्री मेथड से उतने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिटॉफ मेथड की, और हिटॉफ मेथड से हम ट्रांसपोर्ट नंबर को कैसे समझ सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। नो डाउट मूविंग बाउंड्री मेथड का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें प्रोबेबली वो बहुत बाद में होगा बिकॉज अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं है। मूविंग बाउंड्री मेथड से भी हमें ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिटॉफ मेथड के बारे में। ना देखो, सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर की दो दीवारों को मैंने बैटरी के दो पोल्स के साथ कनेक्ट कर दिया। एक पोल है मेरा पॉजिटिव पोल जिसको हम एनोड कहते हैं, एक है मेरा नेगेटिव जिसको हम कैथोड कहते हैं। सो यहां साइड में मेरा नेगेटिव पोल है और ये साइड में मैंने मेरा पॉजिटिव पोल कनेक्ट किया। नाउ कंसिडर करो मैंने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, और इलेक्ट्रोलाइट जो होना चाहिए उसका जो वैलेंसी होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। वैलेंसी उसका वैलेंसी सेम होना चाहिए, आई मीन टू से कि अगर मेरे पास एक NaCl है तो इस पे Na पे +1 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है। मैं MgCl2 नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा MgCl2? बिकॉज अगर आप इसको स्प्लिट करो, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज आएगा और क्लोरीन पे -1 आएगा। अगर किसी कटायन और अनायन का चार्जेस डिफर करता है तो उसकी मोबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कि सोल्यूशन के अंदर मूव करने की एबिलिटी, मूविंग एबिलिटी, उसकी चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली इसके अलग अलग रीजंस होते हैं, कहीं साइज चेंज होगा तो हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा, चार्जेस अलग हैं, वैलेंसी अलग है, साइज अलग है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम वहाँ पे उनकी वैलेंसी को सेम रखेंगे, ताकि हमारे जो बाकी के फैक्टर्स हैं जो उनकी मोबिलिटी पे अफेक्ट करने वाले हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, और हम जो भी यहाँ पे अब एक्सपेरिमेंट करें वो काफ़ी फेयर हो जाए। तो पहला कंडीशन मुझे यह लेना है कि मेरे पास जो भी इलेक्ट्रोलाइट मैं लेने वाला हूँ इट शुड हैव सेम वैलेंसी। तो सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डाल दिया। ना जब मैं सोल्यूशन में डालूंगा, मैंने इसको काफ़ी अच्छे से स्टर कर लिया ताकि एक होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाए। ऐसा ना हो कि कटायन और अनायन अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग रीजंस में, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हो। स्टर करने के बाद लेट अस स्टार्ट विद द इनिशियल कंडीशन। मेरी पहली कंडीशन मुझसे ये कहती है कि मान लो आपके कटायन और अनायंस का जो पैर है, जिसको हम आयोनिक पैर कहते हैं, वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से होमोजीनियस वे में यहाँ पे स्प्रेडेड है। अब मैं इस सोल्यूशन को तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करूंगा, या मैं कहूँ इसको इमेजिनरी तीन रीजन्स में डिवाइड करूंगा। एक वो रीजन है जो मेरे कैथोड के पास वाला होगा, उसको हम कहेंगे कैथोडिक कंपार्टमेंट। एक वो रीजन होगा जो एनोड के पास वाला होगा, उसको हम कहेंगे एनोडिक कंपार्टमेंट। और मिडल वाला जो कंपार्टमेंट होगा उसको हम सेंट्रल कंपार्टमेंट कहते हैं। मैंने लिखा नहीं है, बट हमको उससे कोई लेना देना भी नहीं है, वो मेरा सेंट्रल कंपार्टमेंट है। अब देखो, सपोज करो कि मेरे एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ मेरे पास चार पैर हैं, कटायन अनायन के चार पैर हैं, और मेरे एनोडिक कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ भी मेरे पास चार पैर हैं। तो ये मेरा इनिशियल कंडीशन है। अब मान लो आपने जैसे ही बैटरी का की जो है, आपने वो की को आपने टैप किया और आपने इस सेल को स्टार्ट किया। टैप करने के बाद मान लेते हैं कि मेरा ये जो सोल्यूशन है, इसमें जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है
उसमें सिर्फ कटायन माइग्रेट कर सकता है, मतलब क्योंकि हमको अलग अलग कंडीशंस में समझना है। फिलहाल के लिए पहली कंडीशन हम ये मानते हैं कि मेरा सिर्फ कटायन माइग्रेट करेगा, मेरा अनायन अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है, और या मैं यूं कह सकता हूं कि अगर वो हिलेगा भी तो बहुत स्लो स्पीड में माइग्रेट होने वाला है, इट्स अ बल्की अनायन जो कि वो माइग्रेट नहीं करेगा, ठीक है, उसकी मोबिलिटी बहुत कम है और मेरे कटायन की मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, मान लो मेरा कटायन यहां से माइग्रेट हो गया और कटायन माइग्रेट होने के बाद यहां चला गया, क्योंकि मेरे कटायन को किसकी तरफ मूव होना है, अनायन की कैथोड की तरफ मूव होना है, और मेरा कटायन यहां आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा अनायन तो अपनी जगह से हिला नहीं है, कौन हिल के गया है, मेरा कटायन हिल के गया है। इस कंपार्टमेंट में कितने एक्स्ट्रा कटायन आ गए हैं, दो, और इस कंपार्टमेंट में कितने एक्स्ट्रा अनायन आ गए हैं, दो। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ, अभी मैं यहां पर लिखूंगा कटायन और मैं यहां पर लिखूंगा अनायन और मैं यहां पर लिखूंगा टोटल चार्ज, ठीक है। तो मुझे बताओ टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज चार्ज हो गया, चार हुआ, उसमें कटायन कितने माइग्रेट करके गए, कटायन माइग्रेट करके गए दो, और अनायंस ने माइग्रेशन किया क्या, नहीं, अनायंस ने माइग्रेशन नहीं किया, लेकिन जब डिस्चार्ज यहाँ पे होगा, जब कटायन यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज का मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, एट द सेम टाइम यहाँ पर अनायन को डिस्चार्ज होना पड़ेगा। इवन दो भाई देखो बड़ी सिंपल सा फंडा है, मान लो ये मेरा कटायन, वो मेरा कैथोड है, ये मेरा एनोड है, यहाँ पे कटायन अनायन थे, वहाँ पे कटायन अनायन थे, यहाँ के दो कटायन उड़ के वहाँ चले गए, माइग्रेशन किसने किया भाई, माइग्रेशन तो किया मेरे कटायन ने, तो मोबिलिटी किसकी हो जाएगी, मोबिलिटी तो मेरे कटायन की होगी, अनायन तो वहीं खड़ा हुआ था, लेकिन सिंस मेरे कटायन माइग्रेट करके वहां चले गए, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो आया वो किसकी वजह से आया, कटायन के माइग्रेशन की वजह से आया। अब कटायन वहां पहुंच गया, अनायन यहां पे खड़ा हुआ है, अनायन यहाँ खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, जैसे ही वहां पे कटायन डिस्चार्ज होगा वैसे ही यहाँ पे अनायन डिस्चार्ज होगा, क्योंकि सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, सोल्यूशन कैन नेवर बी इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो कटायन और अनायन का डिस्चार्ज इक्वल होता है, अब समझना जरा, डिस्चार्ज अगर वहां पे 15 कटायन डिस्चार्ज हुए हैं तो यहाँ पे 15 अनायन डिस्चार्ज होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि सोल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी गई वो गई किसकी वजह से। अब इस केस में आपके अनायन वहीं पे थे और आपके कटायन ने चल के गया, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम किसने किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम किया मेरे कटायन ने, मेरा अनायन तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, अनायन तो वहीं पे खड़ा हुआ था, और आई कैन से कंडक्टिविटी किसने दिखाया, इलेक्ट्रिसिटी गई किसकी वजह से, या इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन ने जो भी कंडक्टिविटी दिखाया वो मेनली किसकी वजह से था, कटायन की वजह से। तो मैं यहां कहूंगा इवन दो मेरा टोटल चार्ज डिस्चार्ज कितना हुआ है, चार, कटायन कितने थे, दो, अनायन कितने थे, दो, लेकिन अनायन का मोबिलिटी, मैं कहूंगा मोबिलिटी ऑफ अनायन यहाँ पे फिलहाल कितना था, जीरो, और मोबिलिटी ऑफ अनायन जिसको हम कहते हैं स्पीड, मोबिलिटी ऑफ अनायन को हम यहाँ पे कितना मान के चलेंगे, फिलहाल जीरो, और मोबिलिटी ऑफ कटायन की कुछ तो स्पीड हुई होगी, मुझे नहीं पता कितनी स्पीड में वो गया होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, ये मोबिलिटी वाले पार्ट को फिलहाल मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ क्योंकि इसको हम बाद में डील करेंगे ये क्या होता है, आप पर इससे समझ में आया क्या होगा। अच्छा दूसरे कंडीशन पे आते हैं, मान लो कि आपके कटायन और अनायन सेम स्पीड के साथ माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब जब यहाँ से दो कटायन वहाँ गए होंगे तो वहां के दो अनायन यहां आए होंगे, तो यहां पे दो कटायन गए तो चलो ऐड कर दो कटायन और कटायन, वहां से दो अनायन यहां पे आ गए, चलो दो अनायन यहां पे आ गए, तो देखो ये दो कटायन एक्स्ट्रा आए हुए थे, एक्स्ट्रा कटायन है, और यहां पे ये दो अनायन एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे टोटल कटायन कितने हो गए, सॉरी मुझे मैंने उल्टा किया, मुझे ऐसे करना चाहिए था, आई एम सॉरी, क्योंकि यहां कैथोडिक कंपार्टमेंट है ना, माइनस माइनस और प्लस और प्लस, जब वहां से दो कटायन यहां आएंगे कैथोड की तरफ तो कटायन दो एक्स्ट्रा यहां पे आ गए, तो वहां से दो कटायन एक्स्ट्रा आ गए तो वहां से गायब हो गए कटायन, यहां के दो अनायन वहां पे चले गए तो यहां से दो अनायन वहां पे चले गए और अनायन वहां पे जाके एक्स्ट्रा जमा हो गए। अब मुझे बताओ टोटल कटायन कितने हैं यहां पे, टोटल कटायन है चार, टोटल अनायन कितने हैं यहां पे, टोटल अनायन है इतने। अब जरा समझना यहां पे टोटल डिस्चार्ज कितना हुआ, टोटल डिस्चार्ज वहां पे कितने जाएंगे चार, टोटल डिस्चार्ज यहां पर भी कितना होगा चार, जिसमें चार यहाँ पे चार कटायन डिस्चार्ज होंगे, यहां पे चार अनायन डिस्चार्ज होंगे, तो टोटल चार्ज कितना डिस्चार्ज हुआ आठ, जिसमें चार कितने थे कटायन, चार कितने थे अनायन, लेकिन जब कटायन यहां पर मूव कर रहा था तो अनायन भी यहां पर मूव कर रहा था और दोनों का वेलोसिटी सेम था, वेलोसिटी इन सेंस आई एम स्पीकिंग अबाउट मोबिलिटी सेम था। तो मैं यहां पे यूं कह सकता हूं कि जितना मेरा मोबिलिटी कटायन का था, अगर मोबिलिटी का कटायन का मोबिलिटी एक्स है तो उस समय मेरे अनायन का भी मोबिलिटी कितना हो जाएगा, वो भी एक्स हो जाएगा। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, मेरे मोबिलिटी ऑफ अनायन कितनी आ रही थी जीरो और मोबिलिटी ऑफ कटायन सिर्फ कितनी आ रही थी एक्स। अब जो भी करंट जा रहा था वो कटायन की वजह से जा रहा था, मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं कि यहां पे सिर्फ कटायन, दिस विल बी योर कटायन,
दिस विल बी योर कटायन और नीचे ये कौन था अनायन। यहाँ पे कटायन और अनायन इक्वल स्पीड में गए, इक्वल स्पीड में गए। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ कटायन और अनायन का माइग्रेशन स्पीड में हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितने लोगों की वजह से गई, आठ। लेकिन आठ में चार कटायन भी मूव हो रहे थे और चार अनायन भी मूव हो रहे थे। अब समझ में आ, इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो एक्चुअली में दो कटायन मूव हो रहे थे और दो अनायन मूव हो रहे थे, पर उससे बन क्या रहे थे, चार चार कटायन अनपैड हो जा रहे थे, चार अनायन अनपैड हो जा रहे थे। अगर नहीं समझा तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ, दो कटायन मूव हुए, कटायन मूव हुए कितने दो, तो कटायन मूव हुए दो, पर उसकी वजह से वहां पे दो अनायन अनपैड हो गए। यहां से दो अनायन मूव हुए वहां पे, उसकी वजह से दो कटायन अनपैड हो गए। अब कितने कटायन अनपैड हैं, चार। कितने अनायन अनपैड हैं, चार। तो चार अनायन चार कटायन एक साथ डिस्चार्ज होंगे। अभी भी अगर समझ देखो तो जितने कटायन डिस्चार्ज हो रहे हैं उतने ही अनायन हो रहे हैं। पहले भी जितने कटायन हो रहे थे उतने ही अनायन हो रहे थे, लेकिन पहले वाले और दूसरे वाले केस में फर्क क्या है पता है, पहले वाले में माइग्रेशन सिर्फ कौन कर रहा था, कटायन, और दूसरे वाले में माइग्रेशन कटायन और अनायन मिलके कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। मान लेते हैं कि स्पीड अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, यानी यहाँ पे देखो कितने अनायन वो साइड में गए, यहाँ पे दो अनायन वो साइड में गए, कितने कटायन ये साइड में आए, दो कटायन एक साइड में आए, तो भाई चलो दो कटायन दो अनायन सेम स्पीड में गए। अब दूसरी बात करते हैं, मान लेते हैं यहां से कटायन जो आए ना वो तीन कटायन ये साइड में आए, तीन कटायन इधर आए, तो तीन कटायन को मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूं, तो वहां से तीन अनायन जो होंगे वो मेरे अनपैड हो गए होंगे क्योंकि उनका कटायन इधर आ गया, और यहां से दो अनायन उधर गए, तो दो अनायन टू अनायन मूविंग दैट साइड, तो दो अनायन वहां साइड में चले गए, दो अनायन एक्स्ट्रा आ गए। अब मुझे बताओ टोटल चार्ज जो डिस्चार्ज होगा वो कितना होगा। अब यहाँ पे देखो कितने कटायंस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, कटायंस मेरे कितने हो गए पांच, और मेरे अनायंस कितने होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, मेरे अनायंस भी कितने हो गए पांच। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ से तीन कटायन जा रहे थे उस समय अनायन तो सिर्फ दो ही जा रहे थे। अब यार कटायन अगर मूव करेगा तो अपने अनपैड अनायन को तो छोड़ के ही जाएगा। एक चीज को समझो, चार्जेस के माइग्रेशन की वजह से अनपैड चार्जेस सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है कटायन, और कौन कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है अनायन, क्योंकि दो ही अनायन गए और कटायन कितने आए, तीन। अब यार देखो सिंपल सा फंडा है, जब कटायन तीन हिले होंगे तो वहां पे तीन अनायन बने होंगे, यहां से जब दो अनायन गए होंगे तो यहाँ पे दो कटायन बने होंगे, तो नंबर ऑफ अनपैड कटायंस विल बी सेम एज नंबर ऑफ अनपैड अनायंस। वहां पे भी पांच थे, यहाँ पे भी पांच थे, तो कटायन और अनायन का क्वांटिटी जो डिस्चार्ज हो रहा है दैट रिमेन सेम। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, व्हाट आई कैन राइट, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिस्चार्ज्ड बाय कटायन एंड अनायन इज सेम है, मतलब जितने कटायन डिस्चार्ज होंगे उतने ही अनायन डिस्चार्ज होंगे। अब बस फर्क इतना पड़ने वाला है कि कटायन जो बने हैं पांच कटायन, क्या वो पांच कटायन इसलिए बने हैं कि पांच अनायन वहां पे गए, और जो पांच अनायन वहां बने हैं क्या वो इसलिए बने हैं कि पांच कटायन यहाँ पे आए, क्या स्पीड सेम है क्या। अगर स्पीड सेम नहीं है तो मैं यूं कहूंगा कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो कटायन ज्यादा लेके जा रहा है और अनायन कम लेके जा रहा है, और यहीं से जन्म होता है एक नए कॉन्सेप्ट का जिसको कहा जाता है ट्रांसपोर्ट नंबर। अब जरा समझना ढंग से, मैं इस पूरी चीज को रब कर रहा हूं और मैं कुछ चीजें यहां लिख रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक मैं क्या लिखूंगा, मुझे एक बात बताओ, टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, भाई टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी गई। जैसे यहां मैं अगर पूछूं, जब तीन कटायन और दो अनायन माइग्रेट कर रहे थे अनइक्वल वेलोसिटी के साथ, मतलब यहां अगर कटायन का वेलोसिटी x था तो अनायन का वेलोसिटी कितना था y, स्पीड अलग था और x विल बी ग्रेटर देन y, यहां पे दोनों का वेलोसिटी क्या था सेम, यहां पे भी क्या था कटायन जा रहा था अनायन तो माइग्रेट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, भाई कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, भाई पांच चार्जेस डिस्चार्ज हुए, पांच इधर पांच इधर, तो मैं कहूंगा इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोबिलिटीज ऑफ टोटल आयंस, भाई टोटल आयंस कितने मोबिलिटी हुए हैं, टोटल आयंस की वेलोसिटी कितनी थी, तो मैं उसको लिखूंगा म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस, यहाँ पे म्यू प्लस यहाँ पे म्यू माइनस, जैसे यहाँ पे पांच गए यहाँ पे पांच गए तो टोटल कितना हो गया 10। ना टोटल मोबिलिटी इज 10, यहाँ पे टोटल मोबिलिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल मोबिलिटी x और y हो जाएगा, इसका x आ जाएगा इसका भी x आ जाएगा यानी इक्वल, यहाँ पे टोटल मोबिलिटी कितना आ जाएगा x। ना द सेकंड टॉपिक इज, भाई एक
एक आयन कितना इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी कैरीड बाय वन सिंगल अनायन। जैसे यहां पे अगर मैं पूछूं टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी गई तो 5+5 आंसर कितना आएगा 10, लेकिन इसमें आप अगर देखो तो कटायन की वजह से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, दैट विल बी डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन कि उसका मोबिलिटी कितना है, उसका मोबिलिटी। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट नंबर ऑफ आयंस, सर समझना, नंबर ऑफ आयंस अलग होता है और मोबिलिटी अलग होता है। जैसे अगर मैं कहता कि इसका स्पीड 5 है, ठीक है, इसका स्पीड 5 है, और अगर इसका स्पीड 4 है तो 5+4 कितना हो जाता, 5+4 हो जाता 9। तो 9 इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पास, बट उसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसने पास किया, कटायन ने, और कम इलेक्ट्रिसिटी किसने पास किया, जैसे ऊपर वाले केस में देखते हैं। आप अगर ऊपर वाले केस में देखो, वैसे तो देखा जाए तो टोटल चार्ज कितना डिस्चार्ज हुआ है, 2 इधर 2 इधर, यानी कितना हुआ 4। अनफॉर्चुनेटली उसमें इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से आई, सिर्फ और सिर्फ कटायन की, क्योंकि अनायन तो अपनी जगह से हिला ही नहीं है, कटायन ही है जो माइग्रेट करके गया। तो अब अगर मैं वहां पे पूछूं कि बताओ टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, इलेक्ट्रिसिटी पास, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिस्चार्ज, आई एम स्पीकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, तो इलेक्ट्रिसिटी पास किसने किया है, कटायन ने। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास विल बी सम ऑफ मोबिलिटी, भाई इसमें तो अनायन का मोबिलिटी नहीं है तो उसकी मोबिलिटी उधर कितनी आ जाएगी, 0, और इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ किसकी वजह से पास हुई है, कटायन, तो सिर्फ कटायन आएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सिर्फ इंडिविजुअल, जैसे टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड बाय एन आयन, एक आयन कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी ऑफ दैट आयन। समझ में आया, आई होप समझ में आया। चलो इसको एक और चीज तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और हम हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर का डेफिनेशन निकालते हैं, ठीक है ना। देखो सपोज करो, पहले वाले केस की बात करता हूं मैं, पहले वाले केस में माइग्रेट सिर्फ कौन हुआ, केस वन लेते हैं, चलो केस वन को लेते हैं। पहले वाले केस में माइग्रेट कौन हुआ, सिर्फ कटायन, तो मेरे मोबिलिटी ऑफ कटायन मान लेते हैं, मोबिलिटी ऑफ कटायन मान लेते हैं लेट अस से 2 है, और मोबिलिटी ऑफ अनायन उस समय कितनी है, 0 है। चलो सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस में आपके ये पहला केस है आपके पास, ये आपके पास सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या हुआ, जितना कटायन गया उतना ही अनायन गया, कटायन कितना गया 2, अनायन कितना गया 2, तो मोबिलिटी ऑफ कटायन कितनी हो गई, मोबिलिटी ऑफ कटायन हो गई 2, मोबिलिटी ऑफ अनायन कितनी हो गई, मोबिलिटी ऑफ अनायन हो गई 2। आई होप समझ में आया। अब तीसरे कंडीशन पे जाते, तीसरी वाली कंडीशन मेरे पास ये है, मुझे बताओ कटायन की मोबिलिटी, अब नंबर ऑफ आयंस मूविंग को ही हम लोग उनकी मोबिलिटी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कि भाई जितने आयंस मूव हो रहे हैं वही की मोबिलिटी है, तो मोबिलिटी ऑफ कटायन कितनी हो गई, कितने कटायंस मूव हो रहे हैं 3, मोबिलिटी ऑफ अनायन कितनी हो गई, मोबिलिटी ऑफ अनायन हो रही है लेट अस से 2, क्योंकि यहां से जा कितने रहे हैं 3, आ कितने रहे हैं 2। आई होप आपको ये तीन कंडीशन समझ में आई। अब जरा थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाते हैं और मुझे समझाने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मोबिलिटी कितनी है, टोटल मोबिलिटी, तो आप क्या बोलोगे, टोटल इलेक्ट्रिसिटी पास्ड विल बी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ कटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन, यानी कितनी निकल के आएगी, 2+0, यानी कितनी आएगी 2। अगर मैं यहां पे पूछूं कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हुई, तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कटायन और अनायन दोनों की वजह से पास हुई, तो कितनी आ जाएगी, मोबिलिटी ऑफ कटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन कितनी आ जाएगी, 2+2, और आंसर कितना आएगा इसका 4। अगर मैं आपसे यहां पूछूं टोटल मोबिलिटी कितनी हुई, तो आप क्या बोलोगे, टोटल इलेक्ट्रिसिटी, तो 3 कटायन ने माइग्रेशन किया उस समय, 2 अनायन ने माइग्रेशन किया। जरा समझना, कटायन और अनायन का माइग्रेशन अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ कटायंस, अनपेड कटायंस प्रोड्यूस्ड एंड नंबर ऑफ अनपेड अनायन प्रोड्यूस आर इक्वल। जैसे कटायन भले ही 3 हिले हैं, अनायन भले ही 2 हिले हैं, लेकिन अनपेड कटायन और अनायन क्या है, सेम। अरे भाई सिंपल सा फंडा है, जब कटायन मूव करेगा तो अनायन को छोड़ के जाएगा, जब अनायन मूव करेगा तो कटायन को छोड़ के जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेड विल बी सेम। बट आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट नंबर ऑफ अनपेड, आई एम स्पीकिंग अबाउट कि मूव कितने लोगों ने किया, उसको हम मोबिलिटी कहेंगे। अब वो तो अलग बात है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 कटायन है, यहाँ पे 4 अनायन है, पर मूव कितने ने किया, मूव तो सिर्फ 2 लोगों ने किया। यहाँ पे 5 कटायन है, 5 अनायन है, पर मूव सिर्फ 3 कटायन ने किया और मूव सिर्फ 2 अनायंस ने किया है। तो मोबिलिटी इज अ डिफरेंट स्टफ एंड नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस प्रोड्यूस आर अ डिफरेंट स्टफ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं टोटल इलेक्ट्रिसिटी ई लिख रहा हूं, तो कितनी हो जाएगी, मोबिलिटी ऑफ कटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन, कटायन कितने मूव किए 3, अनायन कितने मूव किए 2, आई होप समझ में आया, और कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक क्लियर है, मैं जरा नीचे की चीज को भी रब कर देता हूँ, आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, इनकेस नहीं लिखा तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड कर लो, पीछे थोड़ा सा टैप करके 5-10 सेकंड पीछे कर लो और फिर उसको लिख लो। मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूं, थर्ड कंडीशन, आप ऊपर वाले 2 कंडीशंस के फॉर्मूले खुद से लिखना। मुझे एक बात बताओ, जब टोटल कटायन और अनायंस का मोबिलिटी, जब टोटल कटायंस और अनायंस का मोबिलिटी 5 था, व्हेन द टोटल कटायंस एंड अनायंस मूविंग वर 5,
तो उसमें मेरे कटायन का मोबिलिटी कितना था, उसमें मेरे कटायन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, जब पांच आयन्स मूव कर रहे थे, तीन कटायन और दो अनायन, तब पांच आयन्स मूव कर रहे थे, उसमें कटायन कितना मूव कर रहा था, उसमें कटायन मूव कर रहा था तीन। सो ये तुम्हारा क्या हो गया, मोबिलिटी ऑफ कटायन। ये पांच तुम्हारा क्या हो गया, मोबिलिटी ऑफ कटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन। आई होप समझ में आया। तो सपोज करो अगर टोटल कटायन और अनायन मिलकर, अगर मोबिलिटी दिखाते वन, समझ में आया, अगर टोटल कटायन और अनायन मिलके मोबिलिटी दिखाते वन, तो मेरा क्वेश्चन होगा उस समय मेरे कटायन का मोबिलिटी कितना हुआ होता। मतलब जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि तीन कटायन इधर गए, दो अनायन इधर गए, टोटल मिलके पांच आयन्स गए, देयर आर फाइव आयन्स टोटल मूविंग, तो पांच आयन्स में से तीन कितने थे, कटायन माइग्रेट कर रहे थे, और दो कौन माइग्रेट कर रहे थे, अनायन। मान लो टोटल एक ही आयन माइग्रेट कर रहा होता, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मान लेते हैं सिचुएशन, मान लेते हैं कि टोटल अगर एक ही आयन मूव कर रहा होता तो उसमें कटायन का कंट्रीब्यूशन कितना होता और उसमें अनायन का। इनडायरेक्टली मैं आपसे फ्रैक्शन निकालने, जैसे हम बोलते ना, मान लो 100 अनायन और कटायन मूव कर रहे होते, 100 अनायन और कटायन मूव कर रहे होते, उसमें कटायन कितना माइग्रेट कर रहा होता और अनायन कितना कर रहा होता, वहां हम कहेंगे कि हमको परसेंटेज निकालना है। यहाँ हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वन में से कितना। तो अगर टोटल कटायन और अनायन का माइग्रेशन अगर मान लो पांच है, अगर टोटल 100 होता तो उसमें कटायन कितना होता। सिमिलरली अगर टोटल कटायन प्लस टोटल अनायन का माइग्रेशन पांच है, उसमें कटायन का कंट्रीब्यूशन कितना है, कटायन का कंट्रीब्यूशन है तीन, अगर टोटल माइग्रेशन वन होता तो उसमें कटायन का कंट्रीब्यूशन कितना होता। आई होप समझा। यहां मैं क्या निकाल रहा हूं, परसेंट, और यहां पे मैं क्या निकाल रहा हूं, फ्रैक्शन। आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा है। टोटल आयन्स कितने मूव हो रहे हैं, पांच, तो उसमें पांच में कटायन कितने हो रहे हैं, तीन। तो अगर टोटल 100 होते तो बताओ कटायन कितने होते। तो यार बड़ा आसान है, कैसे निकालोगे इसको, तो टोटल कटायन कितने होते, तो दैट विल बी इक्वल टू, अब क्या करते बताओ, फटाफट क्या करते, जिसको यहाँ लेके जाते तो 3 हो जाता, 3 डिवाइडेड बाय 5 हो जाता, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाता था, 100। आई होप समझ में आया। अब आप इसका आंसर निकाल लो कितना आएगा, तो इसको कहेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन। यहाँ कैसे निकालोगे, यहाँ पर आप क्या निकालोगे, पांच जा रहे थे टोटल, उसमें से तीन का कंट्रीब्यूशन किसका था, कटायन का। तो अगर टोटल एक जाता, अब 100 की जगह मैंने क्या रख दिया, एक, तो उसमें कटायन का कंट्रीब्यूशन कितना होता, तो इसको भी कहेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर। ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो किसमें है, परसेंटेज में, और ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो किसमें है, फ्रैक्शन में। तो मुझे बताओ फटाफट क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन विल बी इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 5। इनटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा 3 क्या हो गया, 3 हो गया मोबिलिटी ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय 5 क्या हो गया, मोबिलिटी ऑफ कटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन, एंड दैट्स द फॉर्मूला यू गेट फॉर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन। कितना होगा ये, तो ये होगा 0.6। मतलब अब इसका मीनिंग समझो, चलो मैं ऊपर वाली चीज़ों को रब करता हूँ, यहाँ से ये वाली साइड चीज़ को रब करता हूँ, और मैं फिर से लिखता हूँ, चलो मैं फिर से लिखता हूँ ताकि चीज़ों को और अच्छे से समझ में आए। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, जब टोटल कटायन और अनायन पांच जा रहे थे, उस समय कटायन कितना जा रहा था, तीन, जब टोटल कटायन और अनायन जब वन जाएंगे तो बताओ उसमें कटायन कितना जाएगा, उसी को कहेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर। तो व्हाट विल बी ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5, उसमें 3 क्या था, म्यू प्लस, उसमें 5 क्या था, म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस। आंसर कितना आया, आंसर आया इसका 0.6। अगर परसेंटेज की भाषा में बात करूं तो कितना हो गया, 60%। सिमिलरली अनायन की बात करते हैं, अगर टोटल आयन्स का माइग्रेशन पांच है तो उसमें अनायन कितने जा रहे थे, 2। व्हाट इज द अमाउंट कैरीड बाय अनायन, विल बी 2। अगर टोटल 1 जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा, उसी को कहेंगे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन का फार्मूला कितना हो जाएगा, बोलो 2 डिवाइडेड बाय 5। 2 उसमें क्या था, मोबिलिटी ऑफ अनायन डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, मोबिलिटी ऑफ अनायन या कटायन प्लस मोबिलिटी ऑफ अनायन। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.4। अब 0.4 का मतलब कितना हो गया, दिस विल बी 40%। मुझे उम्मीद है समझ में आया। इससे समझ में क्या आया, अगर 100 कटायन और 100 अनायन माइग्रेट करेंगे, ध्यान से सुनना, अगर टोटल मिला के 5 कर रहे थे तो उसमें कटायन कितने माइग्रेट कर रहे थे, कटायन उसमें कर रहे थे 3, अनायन कितने माइग्रेट कर रहे थे, अब सुनना इसका लास्ट मीनिंग बता रहा हूँ, कटायन और अनायन कितने कर रहे थे उसके अंदर, अनायन कर रहे थे 2, बिकॉज वहाँ पर टोटल 5 गया। इसको मैं इनडायरेक्टली ऐसे भी कह सकता हूं कि जब मेरे 60 कटायन माइग्रेट करेंगे उस समय मेरे 40 अनायन माइग्रेट करेंगे, दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसको मैं ट्रांसपोर्ट नंबर की भाषा में क्या कहूंगा, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर, कि जब मेरा 0.6
कटायन माइग्रेट करेगा, उस समय मेरा 0.4 कौन माइग्रेट करेगा, अनायन माइग्रेट करेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अब मुझे बताओ कि ट्रांसपोर्ट नंबर आपको इनडायरेक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ट्रांसपोर्ट नंबर आपको इनडायरेक्टली यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर टोटल चार्ज कैरिड है 5, टोटल चार्ज 5 लोगों ने कैरी किया है, तो उसमें कटायन ने कितना किया और अनायन ने कितना किया। ऐसा कभी जरूरी नहीं है, ऐसा कभी होगा नहीं कि हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं हमेशा होगा कि जितने कटायन माइग्रेट किए उतने ही अनायन माइग्रेट करेंगे। एक फटाफट कैलकुलेशन मुझे बताना, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन कितना आएगा, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन यानी टोटल कितने चार्ज माइग्रेट हुए 4, उसमें से कटायन कितना था 2 और अनायन कितना था 2, तो ऑब्वियस ही बात है ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन कितना आएगा 0.5, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन कितना आएगा 0.5, क्योंकि आधा करंट किसने कैरी किया कटायन ने और आधा करंट किसने कैरी किया अनायन, क्योंकि इक्वल स्पीड में गए। ऊपर वाले केस में बात करो तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन कितना आ जाएगा, अरे पूरा का पूरा चार्ज किसने किया है, कटायन ने, अनायन तो माइग्रेट ही नहीं हुआ, अनायन का मोबिलिटी जीरो हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 2/2, आंसर कितना आएगा 1, मतलब पूरा का पूरा 100% चार्ज किसने कैरी किया है, कटायन ने, अनायन अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में, थोड़ा पावर पैक वीडियो था, थोड़ा हाई लेवल का वीडियो था, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको यह समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्ट नंबर का मीनिंग क्या है। ट्रांसपोर्ट नंबर को सिंपल भाषा में आप एक तरीके से मोल फ्रैक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में। अगर टोटल सॉल्यूशन में 15 मोल है तो सॉल्यूट का कितना, सिमिलरली टोटल चार्ज अगर 5 लोगों ने कैरी किया है तो उसमें कटायन का कितना, अनायन का कितना हिस्सेदारी है। हमेशा सेम होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि कटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर 0.9 हो और अनायन अपनी जगह से हिला ही नहीं हो। तो इससे आपको क्या समझ में आएगा कि मेजर मूविंग पार्टिकल कौन है कटायन और स्लो मूविंग पार्टिकल कौन है अनायन। तो आई होप इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट नंबर का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम ट्रांसपोर्ट नंबर से रिलेटेड कुछ और चीजों को देखेंगे एंड हम गैल्वेनिक सेल्स के डेरिवेशंस को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो we'll meet in the next video and we'll start with some more complicated and some more interesting topics. Till then, keep watching videos. And in case if you like these videos and if you like me, you can support me by donating me. And the link is given in the description box, as well as please do like, share, subscribe and comment. Your comments are really precious for me. They motivate me to make more videos for you. Bye-bye, take care and God bless you all.